हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि सीरियल की स्टोरी इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, इतने शानदार ट्रैक से आगे गुजर रही है कि सभी लोग कह रहे हैं कि यार ये ट्रैक चाहे पहले कम स्पीड में भी दिखा देते ना तो भी सीरियल को जो है लो टीआरपी का सामना नहीं करना पड़ता एंड पूरा सपोर्ट जो है ऑडियंस का सीरियल को मिलता। क्योंकि आज का जो एपिसोड था सभी एक टाइप के मिशन पर निकल रखी थी प्रूफ इकट्ठा करने के लिए, कमिश्नर के पास जाना, सभी का मिलकर ईशान को बेगुनाह साबित करना और सभी का एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना। ये बहुत ही कमाल का एपिसोड आज का नजर आया एंड इसको जो है सप्ताह भर खींच के भी ट्रैक के रूप में दिखा देना तो सीरियल को बहुत अच्छी टीआरपी मिलती है एंड हम लोगों का भी एंटरटेनमेंट अच्छा खासा होता। वेल, अब आने वाले कुछ एपिसोड के अंदर कहानी इसी रफ्तार से आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएगी, लेकिन यहां पर सभी के मन में सवाल तो ये है कि आखिरकार जो फाइनल एंडिंग है वो आखिरकार है क्या। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नए किरदार आ जाएंगे, निर्जर टीवी सीरियल वाली एक्ट्रेस आ जाएंगी और उड़ारियां सीरियल वाले इंस्पेक्टर एकम आ जाएंगे यानी कि हितेश भारद्वाज, और बहुत सारी चीजें फिलहाल चल रही है क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि यहां पर भाविका शर्मा भी रह जाएगी। अब यहां पर एक्ट्रेस आ रही है, भाविका शर्मा भी रह रही है और वो भी आ रहे हैं, 10 साल का लीव भी आ रहा है। ये सारी चीजें तो देखो एक साथ नहीं आ सकती है, हम सभी को पता है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं सीरियल से जुड़ी एक नई अपडेट के बारे में, जिसके बारे में आप लोग सुनेंगे तो आपके काफी सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे एंड आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ में आने लगेगी। अब यहां पर मैंने आप सभी को बताया था कि भंवर पाटिल जो है वो लास्ट में अब विलेन बनते हुए आपको नजर आएगा। भोसले परिवार के सारे लोग जो है वो अब ठंडे पड़ चुके हैं, ज्यादा उनके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ईशान जब मुसीबत में फंसता है तो या तो यशवंत राव भोसले की पावर काम आती है, ना ही निशिकांत के कॉन्टैक्ट काम में आते हैं, ना ही अक्का साहेब का गुस्सा और ना ही रीवा के पापा लॉयर बनकर कुछ उखाड़ पाते हैं। यहाँ पर काम कुछ कर पाता है कोई तो वो केवल और केवल सभी होती है, और सभी के एहसान तले यहाँ पर भोसले परिवार वाले दब चुके हैं। और यहाँ पर अब आने वाले एपिसोड में जो है भंवर पाटिल आपको जेल के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग आज मुझे कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि इतना ही था क्या यहाँ पर करणवीर बोहरा को रोल, कितने कमाल के लग रहे थे, इतनी जल्दी एंडिंग नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा सा खींचना चाहिए था। तो आप सभी को बता दूं कि अभी भंवर पाटिल का किरदार खत्म नहीं हुआ है, आगे भी आपको नजर आने वाला है, क्योंकि यहां पर गोलाबारी, बमबारी, जितनी सारी चीजें देखने को मिल रही है ना, ये एक साइको लवर ही कर सकता है अपनी लव को पाने के लिए, यानी कि सभी को पाने के लिए। और यहां पर जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि एग्जाम के टाइम पर जहां ईशान की एक तरफ शादी की तैयारियां, दूसरी ओर सभी की एग्जाम्स है, तो वहां पर जो है भंवर पाटिल सभी को किडनैप करते हुए नजर आएगा एंड यस, पुलिस के चंगुल से भागते हुए ही नजर आएगा, क्योंकि सीरियल में पुलिस वालों की इज्जत के नाम पर कुछ भी सीरियल के मेकर्स ने नहीं रखा है। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। देन यहां पर ईशान बचा कर लाएगा, सभी को भी चोट आने वाली, ईशान के भी चोट लगेगी एंड काफी सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। लेकिन इस धमाके के अंदर बताया जा रहा है कि ईशान और भोसले परिवार पूरा गायब हो जाएगा। अब यहां पर ईशान की डेथ होती है तो डेफिनेटली यहां पर भोसले परिवार से कहानी का लिंक नहीं रहेगा, तो उन्हें गायब करना आसान हो जाएगा, कोई दुविधा वाली बात नहीं है। सेकेंड यहां सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आता है कि क्या यहां पर भाविका शर्मा सीरियल के अंदर रहने वाली है, क्योंकि यहां पर अगर न्यू एक्ट्रेस का नाम सामने आ रहा है तो सीरियल के मेकर्स भला कितने सारे एक्टर के साथ कहानी को आगे बढ़ाएंगे और आखिरकार वो दिखाएंगे क्या, क्या सभी आईएएस ऑफिसर बनेंगे और उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी। तो देखो आईएएस ऑफिसर बनाने के बाद सीरियल के मेकर्स के पास एक बहुत ही अच्छी खासी स्टोरी लाइन रहती है, ठीक काव्य सीरियल जैसी, जो कि सोनी टीवी पर आपको सुम्बुल तौकीर खान के साथ देखने को मिला। हालांकि टीआरपी में वो बहुत तड़प रहा है सीरियल फिलहाल टीआरपी के लिए, लेकिन उसे नहीं मिल पा रही है, जल्दी ऑफ एयर भी हो सकता है वो सीरियल। लेकिन यहां पर आईएएस ऑफिसर के तौर पर कहानी को आगे बढ़ाना कितना पॉसिबल है वो उस सीरियल से इंस्पायर होकर सीरियल के मेकर समय यूज कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे शो ऐसे हैं आईएएस ऑफिसर पर बने हुए जो कि यहां पर पहले हिट हो चुके हैं। अब यहां पर एक तो हो जाता है ये सीन की भाविका शर्मा कहानी को कैसे आगे बढ़ा सकती है, लेकिन जहां पर इन सारी चीजों को बारे में हम लोग सुन रहे हैं कि हितेश भारद्वाज आएंगे, ईशान को रिप्लेस करेंगे, भाविका शर्मा के साथ जोड़ी बनाएंगे, फिर कहानी आगे बढ़ेगी, बट यहां पर आपको मैं एक नया मेरा ओपिनियन बताना चाहता हूं, और वो कुछ ऐसा है यहां पर कि आज के एपिसोड के अंदर हमारा चिन्मय जो है
वो आगे आता है और सभी को बोलता है कि सभी हमारी बेटी हुई ना तो मैं सच में उसे जो है वो तेरे बारे में बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि वो अपनी भुआ जैसी ही बने। तो यार यहां से मुझे तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्टोरी लाइन नजर आ गई कि यहां पर लीप के बाद जो है जनरेशन लीप ही आने वाला है एंड होपफुली यहां पर भाविका शर्मा भी शायद क्विट कर दे और इसके बाद हमें एक तो चिन्मय की जो बेटी है वो कहानी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ सकती है एंड दूसरी और यहां पर हरिणी ताई जो है उनका वैसे तो दिखा दिया गया था कि बच्चा नहीं रहा है लेकिन इसके बावजूद अगर लीप की गुंजाइश आती है तो सीरियल के मेकर्स कुछ भी चमत्कार करते हुए दिखा सकते हैं। हां यह बात तो तय है कि ईशान और सभी का बच्चा नहीं हो सकता है, यह तो तय है क्योंकि यहां पर इतनी क्विकली वो क्या क्या चीजें दिखाएंगे हम लोगों को। लेकिन यहां पर जब आज के एपिसोड के अंदर चिन्मय ये सारी चीजें बोलते हुए नजर आता है ना तो समझ में आ जाता है कि सीरियल के मेकर्स ने क्लू हम लोगों के लिए छोड़ा है एंड यहां पर उन्होंने हिंट दे दिया है कि किस तरीके से कहानी आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। बिकॉज़ हम सभी को पता है कि जो शिखा का किरदार दिखाया गया है सीरियल के अंदर वो अभी जो है भीड़ भाड़ से बाहर शॉपिंग वॉपिंग से बसता हुआ नजर आया है एंड डेफिनेटली हो सकता है कि तबीयत खराब होने के कारण वो भोसले इंस्टीट्यूशन में ना आए शादी वाले दिन और इसी कारण से शिखा और उनका बच्चा बचते हुए यहां पर नजर आए एंड कहानी 10 साल का जनरेशन लीप ले जहां पर शिखा हरिणी और सभी हमको बचते हुए नजर आ सकती है और यहां पर उसके बाद शायद बच्चों के कंधे पर कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है एंड जनरेशन लीप की गुंजाइश आ जाती है। वेल इन सब चीजों को लेकर आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड फिलहाल आपको भंवर पाटिल का किरदार अलविदा कहना अच्छा लग रहा है, मतलब उसका विलेन में तब्दील होना अच्छा लग रहा है या फिर आप चाहते थे कि भंवर कहानी को बहुत आगे तक लेकर जाए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।